महाजनपद काल, महाजनपद काल का जो टाइम पीरियड है वो रहता है 600 ईसा पूर्व यानी 600 BC के लगभग का जो टाइम पीरियड है उसे हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। महाजनपद काल में कुछ बड़े बड़े जनपद निकल के आते हैं, उनकी कुल संख्या जो थी वो 16 थी। 16 महाजनपद जो है अस्तित्व में आते हैं। इन 16 महाजनपदों को जो है महाजनपद की संख्या दी जाती है और इसी काल को हम महाजनपद काल के नाम से जानते हैं। 600 ईसा पूर्व के जो है उस पार का जो है 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी तक का टाइम पीरियड जो है उत्तर वैदिक काल का कहलाता है, और फिर जब 600 ईस्वी के बाद का टाइम पीरियड हमारा महाजनपद काल का टाइम पीरियड कहलाता है। तो महाजनपद काल में कुल 16 महाजनपद थे, उनकी राजधानियाँ थीं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछी भी गई हैं। तो ये इस तरफ हमारे रहेंगे महाजनपद और ये हमारी रहेंगी राजधानियाँ। मगध की राजधानी थी राजगृह, कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, काशी की राजधानी थी वाराणसी, अंग की राजधानी थी चंपागिरी, वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, मल्ल की राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। इसमें ये था उत्तरी और दक्षिणी और पूर्वी और पश्चिमी, इस तरह से राज्य बट जो है उनमें भी राज्य के महाजनपद थे उनके अंदर भी बटे हुए होते थे। तो उत्तरी जो है उसकी राजधानी कुशीनगर, तो इस तरह से इसको डिवाइड किया गया था। तो मल्ल की दो राजधानी थी कुशीनगर और पावापुरी। इसी तरह से वज्र की राजधानी थी वैशाली, चेदी नामक महाजनपद की राजधानी थी सुक्तिमती, गांधार की राजधानी थी तक्षशिला, सूरसेरन की राजधानी थी मथुरा, मत्स की राजधानी थी विराटनगरी, अस्मक की राजधानी थी पौटन, पांचाल की राजधानी थी अहिछत्र और कांपिल्य, उत्तरी पांचाल की अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की कांपिल्य, अवंत की राजधानी थी उज्जैनी और कंबोज की राजधानी थी राजपुर और कुर प्रदेश की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। तो ये थी महाजनपद काल के कुल 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ।